नमस्कार, आज एस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ दीक्षा। आज एस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज की तारीख है 14 दिसंबर और वार है गुरुवार। शो में हम बात करेंगे गेहूँ बारीक चावल में आई तेजी के बारे में और दूसरी तरफ अरहर जो मंदी हुई है उसके बारे में। स्टॉक की बारी लिवारी निकलने से गेहूँ दड़ा मील पहुँच और चक्की पहुँच में 80 से 90 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई है। बारीक चावल में भी 100-100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। चना खड़ी मोटर राजस्थान व चना दाल में 50 से 75 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त हुई है। लिवाली कमजोर बनी होने से अरहर में 100 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी आई है। स्टॉक की मजबूत निवाली निकलने से गेहूं दड़ा मील पहुंच और चक्की पहुंच 80 से 90 रुपये तेज होकर 2550 से लेकर 2560 रुपये, 2570 से लेकर 2580 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर जा पहुंचा। एक दिन पहले इसमें 15 से 30 रुपये की मंदी आई थी। इसी प्रकार शरबती सेला स्टीम 1121 नंबर, चावल सेला स्टीम और शॉर्टेक्स 100 रुपये तेज होकर 5100 से लेकर 5200 रुपये, 5800 से लेकर 6000 रुपये, 8300 से लेकर 8400 रुपये, 9600 से लेकर 9800 रुपये और 10000 से लेकर 10200 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुँच गया है। 1509 नंबर चावल सेला स्टीम और बासमती 1718 भी इतना ही तेज हुआ, जो 7300 और 7400 रुपये, 8000 से लेकर 8200 रुपये, 7800 से लेकर 8900 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया है। चना खरीद मोटर राजस्थान चना दाल लोकर व बढ़िया 50 से 75 रुपये तेज होकर 6125 और 6150 रुपये, 6950 रुपये, 7100 से लेकर 7250 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ लिवाली कमजोर बनी होने से अरर रंगून देसी महाराष्ट्र 100 रुपये मंदा होकर 10100, 10150 रुपये और 10250 से लेकर 10300 रुपये प्रति क्विंटल हुआ। बीते दिन इसमें 100-200 रुपये की गिरावट आई थी। दोस्तों, जैस्ट्रो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विशेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नमस्कार।